चलो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आप लोग को बोला था 4 टॉपिक है और मैंने सिक्वेंस कैसे रखे थे बच्चों, ईजी से थोड़ा डिफ़िकल्ट। पहले हम लोग ने कौन सा लिया, आई फ्रेम, फिर लिस्ट, फिर सीएसएस और अब आप लोग का वो टॉपिक आ रहा है जिसके 4 में से 2 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी। आप समझ सकते हो, 4 में से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वो टॉपिक है फॉर्म। 4 में से 2 क्वेश्चन था, मतलब आप समझ सकते हो ये टॉपिक को आप ऑप्शन में रख ही नहीं सकते हो। और ये टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 11th और 12th दोनों की कोडिंग को मर्ज करोगे। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि 11th में कौन से ऑप्शंस और 12th में कौन से ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी थोड़ा अपना जो लास्ट लेक्चर था ना, इसमें मैंने आप लोग को सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आप लोग को फॉर्म का भी दे दूँगा, ठीक है बच्चों। तो कौन से ऑप्शंस हैं, तो लेट्स सी। तो मैं पहले तो आप लोग को पूरे फॉर्म के ऑप्शन सामने रख रहा हूँ, 11th के भी और 12th के भी, और फिर मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। तो आप लोग ज़रा ध्यान देना, वही ज़्यादा करके उन लोग क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रिपीट। तो आपको वही ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है जो मैं आपको समझाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्म। नाउ दिस इज़ योर 4th टॉपिक। तो ये 4 टॉपिक अगर आप लोग ने अच्छे से किया ना, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग एकदम कम्फर्टेबल हो जाओगे, ठीक है बच्चों। फॉर्म आप लोग का 11th और 12th दोनों आईटी में, 11th में भी फॉर्म है, 12th में भी फॉर्म है। 11th में जो आपके फॉर्म्स थे ना, उसमें ये वाले ऑप्शंस थे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, फिर पासवर्ड, फिर रेडियो, चेकबॉक्स, सबमिट। ये सब इनपुट टाइप इज इक्वल टू के सामने के वैल्यूज आ, सबमिट, फिर रीसेट। फिर आप लोग को एक टैग था टेक्स्ट एरिया करके, एड्रेस वगैरह के लिए टेक्स्ट एरिया। फिर आप लोग को एक और टैग था सिलेक्ट, सिलेक्ट के अंदर ऑप्शन उसका बच्चा टैग था सिलेक्ट का, सिलेक्ट के अंदर आता है ना वो। लेकिन बच्चों आप लोग को 12th की जो कोडिंग है ना, उसमें कौन सी चीज़ें 11th में से याद रखनी है, मैं अंडरलाइन करता हूँ। एक तो टेक्स्ट, एक आप लोग का सबमिट और एक आप लोग का रीसेट। क्योंकि आई हैव सीन मैनी क्वेश्चंस विच इज़ देयर ऑन द सर्वर जिसमें रेडियो, चेकबॉक्स आपके प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है, मगर आपके फाइनल एग्जाम में दे डोंट आस्क। तो आपको मैंने देखा यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस पे अंडरलाइन किए रेड में, टेक्स्ट, सबमिट, रीसेट। इनफैक्ट आपका टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट भी नहीं आएगा, वो मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ। तो आप लोग को सिर्फ टेक्स्ट, सबमिट और रीसेट 3 चीज़ आपको 11th के कॉन्सेप्ट से ध्यान रखनी है और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे भी। हाँ, जैसे हम लोग 12th की तरफ आ जाते हैं तो 12th में यही सेम इनपुट टाइप इज इक्वल टू, ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 14 वैल्यूज़ हैं, मतलब यही टैग आपके एडवांस लेवल का है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू कितने ऑप्शंस, 14। मैंने बच्चों इसको ना ऐसे कैटेगरीज बनाई है, 5, 3, 3 और 3। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऑप्शंस हो गए ना। अभी ये जो 5 का सेट है ना, ये आपको याद रखना है, डेट और टाइम के सारे ऑप्शंस है। तो डेट मतलब इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट है, डेट टाइम, फिर डेट टाइम दोनों कंबाइन। तो उसको कैसा याद रखने का, डेट टाइम हाइफन लोकल, फिर वीक, मंथ। ये सारे जो कैलेंडर से कनेक्टेड ऑप्शंस हैं ना, मैंने एक साथ रखे। वापस एक बार, डेट टाइम हाइफन लोकल, वीक, मंथ। फिर आप लोग के ये जो 3 ऑप्शंस हैं, इसके लिए मैंने एक ज़्यादा करके एक मैंने कैसे याद रखा है मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, बिकॉज मैं कभी भी अपने माइंड से निकालता हूँ तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं 14। आई एम हैविंग वन कलर्ड इमेज फाइल, मेरे पास एक कलर इमेज वाली फाइल है। तो मेरे को 3 ऑप्शन बच्चों तुरंत ही आ जाते हैं, याद आ जाते हैं, एक कलर, एक इमेज और एक फाइल, ठीक है। सो मेरे पास एक कलर इमेज वाली फाइल है, आई एम हैविंग वन कलर्ड इमेज फाइल। तो फटक से मेरे को ना 3 ऑप्शन जो भूला होता है ना, मैं फिर से रिकॉल हो जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हो, कलर, इमेज, फाइल। फिर 3 ऑप्शन मैंने ऐसे याद रखे हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेलीफोन नंबर, मतलब एक्चुअली मैं किसी को क्वेश्चन कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेलीफोन नंबर, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ टेलीफोन नंबर। अब इसमें तीन ऑप्शंस, टेल, रेंज, एक तो रेंज है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ, तो रेंज, टेल और तीसरा ऑप्शन है नंबर। फिर मैंने लास्ट के तीन ऑप्शन ऐसे याद रखे, आई वॉन्ट टू सर्च ईमेल आईडी थ्रू URL, आई वॉन्ट टू सर्च ईमेल आईडी, आई वॉन्ट टू सर्च ईमेल आईडी थ्रू URL, मतलब ये तीन सेंटेंस मेरे को ना सारे ऑप्शंस याद दिला देता है, आप भी ऐसे याद रख सकते हो। तो सर्च ईमेल और URL। अच्छा लोग अभी मैं अंडरलाइन करता हूँ, वो सारे ऑप्शंस आपको बहुत अच्छे से करके आना है। 11th में से तीन ऑप्शंस, 12th में से डेट, फिर डेट टाइम, डेट टाइम हाइफन लोकल दोनों, इधर से फाइल फाइल, इधर से तीनों रेंज, टेल, नंबर तीनों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से ईमेल। बच्चे लोग 99% आप लोग का कोडिंग पूरा का पूरा फॉर्म का इसमें से ही हो जाएगा। तो मैंने देखो कितने ऑप्शंस, इनपुट टाइप इज इक्वल टू के सामने के अगर मैं 12th की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 और इधर के 3 यानी 10, इधर के 3 ऑप्शन ना। तो अगर 11th के 3 और 12th के अगर 7 ऑप्शंस आपने अच्छे से कर लिया ना बच्चों, चैलेंज है आप लोग का कोई भी फॉर्म आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग के सामने फॉर्म का क्वेश्चन रखता हूँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो विच इज़ देयर ऑन द सर्वर, सॉल्व करते हैं उसको, सर्वर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो पहला क्वेश्चन बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 21 पर ज़रा ध्यान देना, मैंने नीचे सोल्यूशन दिया है, सोल्यूशन को पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से। राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, ये जो वर्ड है ना बच्चों एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की जगह पे इनपुट भी तो हो सकता है ना, इनपुट, राइट HTML प्रोग्राम टू इनपुट, तो इनपुट बोलो या एक्सेप्ट बोलो एक ही चीज़ है, मैं डेटा यूज़र से ले रहा हूँ। ये फॉर्म का हिंट है, मतलब आपको फॉर्म लिखा आएगा ऐसा कुछ नहीं है, एक्सेप्ट होगा या तो इनपुट होगा, तो दोनों फॉर्म का हिंट ही हुआ ना। राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, मतलब मेरे को यूज़र से एक्सेप्ट करना है, या इनपुट वर्ड आएगा उसकी जगह पे। सो राइट HTML प्रोग्राम टू इनपुट या तो एक्सेप्ट। नेम ऑफ द कॉलेज, तो पहला डेटा मेरे को ये इनपुट करना है। तो बच्चों अभी आप लोग को याद क्या रखना पता है, वो जो मैंने 10 ऑप्शन बोले ना, तो नेम ऑफ द कॉलेज टेक्स्ट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम ऑफ द कॉलेज इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मेरे को आगे जाके क्या यूज़ करना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज जो 10 ऑप्शन में से नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ हॉल्स, टोटल नंबर ऑफ हॉल्स बच्चों इसके लिए फिर से एक बार नंबर, और यहाँ पे लिखा है टिल टिल रेंज टिल, तो रेंज मतलब कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ पे रेंज नहीं, रेंज ज़्यादा करके वो जो वॉल्यूम्स कंट्रोल होता है ना 0 to 50, मतलब 50% वॉल्यूम, फिर वो उसके लिए यहाँ पे टिल 100 मतलब दिस इज द, दे आर स्पेसिफाइंग द मैक्सिमम लिमिट, तो इसमें मैक्स करके एक एट्रीब्यूट आ रहा है, मतलब नंबर के अंदर ही एक मैक्स करके एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ कर लेंगे। एंड द डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर, बच्चे लोग डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर मतलब सबमिट बटन। अभी आप बोलोगे ना सर इसमें तो रिसेट की बातें नहीं किया है, बच्चे लोग कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन आए ना, कोई भी फॉर्म का क्वेश्चन, तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हर फॉर्म में आपको लिखनी है, मतलब लिखनी इन द सेंस टाइप करनी है, हर फॉर्म के क्वेश्चन में टाइप करनी है। वन थिंग, आपको रीसेट बोला है कि नहीं बोला है, फिर भी आपको रीसेट देना ही है, और रीसेट में बटन का नाम आपको क्लियर देना है, मतलब इन शॉर्ट हर फॉर्म के क्वेश्चंस के लास्ट में 2 बटन देने ही है। इनफैक्ट अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी होता ना बच्चों, ये नहीं भी होता ना, ये वाला स्टेटमेंट अगर मैं रिमूव भी कर दूँ ना, तो भी लॉजिक क्या बोलता है पता है, कि फॉर्म हमेशा सेंड करने के लिए होता है, फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। तो अगर मैं डेटा को सर्वर पे सेंड ही नहीं करूँगा तो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ अ फॉर्म, मतलब 2 बटन तो लास्ट में आएंगे ही, ये भले दिया है या नहीं दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, आप लोग को 2 बटन, मतलब मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ ना ये आपको कंपलसरी देना ही है, ये दोनों बटन आपको लास्ट में देना है। और कोई भी फॉर्म हो आपको हेडिंग देना है, फॉर्म के बाद हेडिंग देना है, फॉर्म के बाद हेडिंग देना है, और फॉर्म में आपको बच्चों 3 एट्रीब्यूट यूज़ करना है। देखो अभी ये वाले क्वेश्चन से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये लाइन और ये लाइन सेम, खाली H1 में ये देखना है कि इट इज़ अ एम्प्लॉय का डेटा, कॉलेज का डेटा, या सेल्समैन का डेटा, या स्टूडेंट्स का डेटा, जो भी होगा ना उसकी हेडिंग इसके अंदर देना। जैसे स्टूडेंट्स का डेटा होगा, स्टूडेंट्स का डेटा, कॉलेज का डेटा होगा, कॉलेज का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा होगा, एम्प्लॉय का डेटा, तो आप लोग ये जो हेडिंग है ना ये सिर्फ चेंज होगी, ये इतना चेंज होगा, बाकी पहली दो लाइन देनी ही देनी है, फर्स्ट दो लाइन कंपलसरी पहली। और फॉर्म में जो मैंने तीन एट्रीब्यूट यूज़ किया ना बच्चों, मेथड बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है बट आई हैव यूज पोस्ट, क्योंकि पोस्ट में डेटा शो नहीं करता है, पोस्ट इज़ ऑलवेज बेटर। और एक्शन, सर्वर पे आपकी फ़ाइल कौन सी है, तो फाइल हमको बनानी नहीं है, सिर्फ लिख देना है फाइल डॉट php, php इज़ अ सर्वर साइड कोडिंग है बच्चों। और नेम, फॉर्म का कोई तो नाम रख दो, और नाम रखने के टाइम f1, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये लाइन आपको चेंज नहीं करनी है बॉडी के बाद बच्चों। फॉर्म मैंने क्या बोला, कम से कम आपके दो क्वेश्चन होंगे फॉर्म के, तो ये जो लाइन है ना बॉडी के बाद ये आपको एज इट इज़ देनी है। ऊपर टाइटल वगैरह तो ठीक है, आपको पता है बेसिक कोडिंग में आता है, बॉडी के बाद आपको ये लाइन एज इट इज़, ये लाइन भी एज इट इज़, खाली आपको अंदर का कंटेंट ये चेंज करना है। ये पूरी लाइन एज इट इज़ मगर खाली ये आपको ये थोड़ा सा चेंज करना है इतना। और फिर लास्ट की दो लाइन फॉर्म बंद करने के पहले बच्चों सेम, मतलब आपको याद कर रखना पता है, पहली दो लाइन सेम टू सेम बॉडी के बाद, लास्ट की दो लाइन सेम। फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है पहली दो और लास्ट की दो चेंज मत करना, एज इट इज़। खाली ये वाली जो ऊपर की दो लाइन है उसके अंदर जो टाइटल है ना, टाइटल मतलब ये जो H1 है ना उसके अंदर का ये जो है ना ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन चेंज कर देना। एम्प्लॉय का डेटा होगा तो लिख देना एम्प्लॉय डिटेल्स, स्टूडेंट्स का डिटेल होगा तो लिख देना स्टूडेंट डिटेल, सेल्समैन का डेटा होगा तो लिख देना सेल्समैन डिटेल्स, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का डेटा है और आप एम्प्लॉय का हेडिंग डालोगे तो मैच नहीं करेगा, सिंपल सी बात है ना बच्चों। अगर एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय लिखना, स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट, लेकिन उससे कनेक्टेड होना चाहिए, क्वेश्चन से कनेक्टेड। जैसे यहाँ पे कॉलेज है तो कॉलेज डिटेल्स, ठीक है बच्चों। तो आपको याद क्या रखना है, पहली दो लास्ट की दो लाइन सेम, मतलब दो बटन लास्ट में, सबमिट, रीसेट। सी बटन रीसेट है बट यू हैव टू पुट अ क्लियर, यू हैव टू पुट अ क्लियर, ठीक है बच्चों। और सबमिट का सबमिट अगर मैं नहीं भी लिखता हूँ ना ये वैल्यू, तो भी बटन के ऊपर वो सबमिट ही दिखाएगा, बट इट इज़ बेटर टू पुट। और इसमें कैपिटल में लिखना है ये एस, और इसमें क्लियर सी कैपिटल, क्योंकि ये बटन के ऊपर का लेबल है, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बोला, फॉर्म में पहली दो लाइन लास्ट की दो लाइन सेम, मतलब याद ही कर लो, मतलब या ऐसे प्रैक्टिस कर लो तो याद हो जाएगी। और ये सेम, खाली इसका ये कंटेंट चेंज करना, H1 का कंटेंट चेंज करना। अब आता है अंदर का ये वाला H1 के बाद इतना इतना। तो बच्चों इसके लिए फिर आपको क्वेश्चन देखने हैं, इसके लिए आपको क्वेश्चन देखने हैं। नेम ऑफ़ द कॉलेज ये रहा, नेम ऑफ़ द कॉलेज, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। हर कंट्रोल में नेम रखना है, विदाउट नेम भी काम करता है बच्चों, लेकिन आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है। सारे टीचर नहीं कट करते बट कुछ टीचर मार्क्स कट कर देते हैं। तो नेम इज इक्वल टू T1 और दो बार ब्रेक, एक बार नीचे और एक बार एक लाइन का गैप। सो ऑलवेज यू पुट अ 2। हेडिंग को आपको ब्रेक देने की जरूरत नहीं, हेडिंग हमेशा ब्रेक के साथ ही आता है। फिर दूसरा कंटेंट क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फिर टोटल नंबर ऑफ हॉल्स। और इसमें एक मैक्स क्यों डाला मैंने, बिकॉज ब्रैकेट में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया था रेंज टिल 100, मतलब उन्होंने मैक्सिमम लिमिट स्पेसिफाई कर दी थी। सो आई हैव यूज द एट्रीब्यूट कॉल्ड मैक्स, सही बच्चों। तो मैं वापस बोल रहा हूँ आप लोग को, पहली दो लाइन फॉर्म और H1 और लास्ट के दो बटन फिक्स। फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है ये दो लाइन और ये दो लाइन, यानी चार लाइन आपको फिक्स देनी है। फिर अंदर का जो कंटेंट होगा वो एज पर द क्वेश्चन चेंज होगा। एक और फॉर्म का लेते हैं क्वेश्चन, आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है बच्चों लोग। लेट्स सी, मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन सामने रखूँगा, कोडिंग बाद में देखते। ये देखो मैंने कोडिंग सामने नहीं रखी बच्चों। राइट HTML प्रोग्राम, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करो, यहाँ पे जो नंबर है ना 23 वो राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म। देखो यहाँ पे फॉर्म बोल दिया, अच्छा फॉर्म भी बोला एक्सेप्ट भी बोला है। अगर वो फॉर्म नहीं भी बोला होता ना बच्चों तो भी एक्सेप्ट वर्ड बता रहा है कि वो फॉर्म है, ठीक है। सो राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट डॉक्टर नेम। अच्छा मतलब आपको पता हो गया कि इसमें H1 में मेरे को डॉक्टर या हॉस्पिटल ऐसा कुछ तो हेडिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर का कंसेप्ट है। मतलब एक्सेप्ट डॉक्टर का नेम, नंबर ऑफ पेशेंट्स मैक्सिमम कितना 20, यानी मैक्स आएगा फिर से एक बार, और डेट ऑफ एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। बच्चे लोग ये क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या किया, डेटा को सर्वर पे सबमिट करने की बात ही नहीं की है, लेकिन आपको ये पता है कि लास्ट की दो लाइन सबमिट और रीसेट, जिसमें एक में सबमिट लेबल एक में क्लियर लेबल आएगा ही आएगा, ओके। और ऊपर का जो फॉर्म वाली लाइन है वो एज इट इज़, फॉर्म मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू फाइल डॉट php, नेम इज इक्वल टू F1। और फिर H1 में अलाइन सेंटर करके या तो आप डॉक्टर डिटेल दे दो या हॉस्पिटल डिटेल दे दो या पेशेंट डिटेल दे दो, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स वगैरह भी है। तो देखो यहाँ पे ये देखो हॉस्पिटल डिटेल्स, और ये दो लाइन देखो सेम बॉडी के बाद सेम, खाली यहाँ पे इधर का अंदर का कंटेंट एज पर द क्वेश्चन चेंज, और लास्ट की दो लाइन देख लो सबमिट और रीसेट। फिर बच्चों एज पर द क्वेश्चन इसके बाद H1 के बाद डॉक्टर नेम, टेक्स्ट, नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर और डेट ऑफ एग्जामिनिंग डेट। मैंने आपको अंडरलाइन कराया था ना बच्चों, उसमें से ही आया, देखो वापस एक बार कंटेंट। 10 कंसेप्ट है, 7 ट्वेल्थ में से आ रहे हैं, 3 अपने 11th में से आ रहे हैं। आपका पूरा फॉर्म का क्वेश्चन रेडी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा और इनफैक्ट 4 में से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट हुआ ना बच्चों टॉपिक। हाँ और एक क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन सामने देखो बच्चों, ये देखो क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्वेश्चन नंबर 25। मैं कोडिंग बाद में लेके आ रहा हूँ सामने, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो। राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, जैसे वर्ड एक्सेप्ट या इनपुट आया तो समझ जाना फॉर्म का क्वेश्चन है। राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम ऑफ हॉस्पिटल, नेम ऑफ द हॉस्पिटल मतलब ये भी हॉस्पिटल रिलेटेड, मतलब हॉस्पिटल डिटेल है कि नहीं, तो हॉस्पिटल, नेम ऑफ द हॉस्पिटल, ईमेल आईडी ऑफ द हॉस्पिटल, फिर नंबर ऑफ बेड्स इन द हॉस्पिटल। तो 3 चीज़, तो पहला नेम ऑफ द हॉस्पिटल के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, ईमेल आईडी के लिए ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, फिर नंबर ऑफ बेड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। हो गए 3, मतलब अभी मैं कोडिंग आप लोग के आंसर सोल्यूशन आप लोग के सामने लेके आ रहा हूँ, बट पहले रिकॉल कर लो। पहली 2 लाइन फॉर्म और H1, फॉर्म और H1, फॉर्म के अंदर 3 एट्रीब्यूट, मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू फाइल डॉट php, नेम इज इक्वल टू F1, फिर H1 में अलाइन सेंटर। अभी ये डिटेल से क्या लग रहा है आपको, हॉस्पिटल डिटेल्स या हॉस्पिटल डेटा, मतलब हॉस्पिटल वर्ड दिया तो ज़्यादा अच्छा। लास्ट के 2 बटन फिक्स, सबमिट और रीसेट, सबमिट और रीसेट। अभी एज पर द क्वेश्चन H1 के बाद क्या क्या आएगा तो आपको सामने से दिख रहा है बच्चों, नेम ऑफ द हॉस्पिटल टेक्स्ट में लेना, ईमेल आईडी ईमेल में लेना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और नंबर ऑफ बेड्स नंबर में लेना, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। तो देखो सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन देख लो बच्चों। ऊपर के 2 लाइन फिक्स फॉर्म और H1, H1 में हमने डाल दिया फिर से हॉस्पिटल डिटेल, और फिर लास्ट के 2 बटन फिक्स, वो फिक्स है। देखो ना यहाँ पे बोला डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर, उसके पहले वाले क्वेश्चन में बोला भी नहीं था। स्टिल वी हैव गिवन सबमिट, मतलब आपको याद क्या रखना है, लास्ट के 2 लाइन सबमिट और ये क्लियर, और ऊपर की 2 लाइन, एक तो फॉर्म का फॉर्म वाला टैग और H1 फिक्स, फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए फिक्स, फिर उसके बाद की लाइन जो होगी ना वो एज पर द क्वेश्चन चेंज होगी। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ द हॉस्पिटल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम T1, 2 बार ब्रेक, फिर ईमेल आईडी ऑफ द हॉस्पिटल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, क्योंकि अपने पास ईमेल है। 10 ऑप्शन मैंने अंडरलाइन कराए थे बच्चों, आपको याद रखना, उसमें ईमेल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ बेड, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, इसमें कोई एट्रीब्यूट मैक्स वगैरह भी नहीं आया क्योंकि इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं था। तो जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हो ना तो देने का नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एट्रीब्यूट, उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, वो एट्रीब्यूट यूज़ कर लेते हैं अपनी साइड से। माई सजेशन, डोंट यूज़। जब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं स्पेसिफाई किया ना तो एट्रीब्यूट यूज़ ही मत करो। मैक्स, मीन, पैटर्न, प्लेस होल्डर, कुछ भी मत यूज़ करो, आप नॉर्मल जाओ, नॉर्मल, ठीक है। तो बच्चों लेट्स सी फॉर्म का और कुछ क्वेश्चंस ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। ये सब CSS वगैरह के क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को अभी इसके लास्ट में कराया। हाँ अभी ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान से। राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म। तो देखो इन्होंने सीधा सीधा फॉर्म बोल दिया और एक्सेप्ट भी है, एक्सेप्ट भी बोला और फॉर्म भी बोला। फॉर्म नहीं भी बोलते तो भी एक्सेप्ट वर्ड फॉर्म को हिंट दे रहा है। सो राइट एचटीएमएल प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट स्टूडेंट रोल नंबर, मतलब ये हॉस्पिटल वर्ड नहीं आएगा H1 में, स्टूडेंट, स्टूडेंट ओके, क्योंकि स्टूडेंट्स का डेटा सामने दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स रोल नंबर, और यहाँ पे लिखा है नंबर फॉर्मेट, तो मतलब वो टाइप इज इक्वल टू नंबर। देखो ना नंबर फॉर्मेट मतलब टाइप, मतलब ये बोल रहे हैं कि रोल नंबर मतलब जो ये है ना स्टूडेंट्स का रोल नंबर, उसमें सिर्फ न्यूमेरिक डेटा है। तो देखा ना इन नंबर्स फॉर्मेट मतलब नंबर। यूनिट टेस्ट मैक्सिमम 25, मतलब ये भी नंबर बट मैक्स 25। फिर टर्मिनल मार्क्स, ये भी नंबर बट मैक्स कितना 50 मार्क्स, यानी दोनों में मैक्स मैक्स एट्रीब्यूट आएगा, एक में 25 नंबर, एक में 50। और फिर इंक्लूड द नेम ऑफ द टीचर, सब्जेक्ट टीचर, सब्जेक्ट टीचर मतलब टेक्स्ट। और द डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर मतलब सबमिट बटन। तो सबमिट बटन और क्लियर बटन तो वैसे भी हम लोग लास्ट में देने वाले हैं। तो बच्चों अभी मैं कोडिंग का सोल्यूशन सामने रख रहा हूँ, बट वापस एक बार रिकॉल करो। पहला फॉर्म 3 एट्रीब्यूट के साथ फिक्स, बच्चों याद कर लो, लिख लिख के या तो प्रैक्टिस कर लो, वहाँ जाके टाइप कर देना। दूसरा H1 में इसकी हेडिंग है ना, लास्ट टाइम हॉस्पिटल था, इस बार हॉस्पिटल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट्स का डिटेल या स्टूडेंट्स का डेटा, स्टूडेंट डेटा या तो स्टूडेंट डिटेल, हेडिंग चेंज करना H1 में अलाइंस सेंटर बोल के। फिर इसका लास्ट के 2 बटन भूलना मत, सबमिट और क्लियर। अब सबमिट और क्लियर और ऊपर की जो 2 लाइन उसके बीच का कंटेंट, पहला स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट करना, नंबर में इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, फिर यूनिट टेस्ट वो भी नंबर, फिर टर्मिनल मार्क्स वो भी नंबर, लेकिन दोनों में मैक्स यूज़ करना, एक में मैक्स 25, एक में मैक्स 50, और टीचर का नाम टेक्स्ट में, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। तो बच्चों सोल्यूशन देख लो एक बार। ये देखो रोल नंबर नंबर, फिर से यूनिट टेस्ट वो भी नंबर, टर्मिनल एग्ज़ाम मार्क्स वो भी नंबर, और नेम ऑफ द सब्जेक्ट टीचर इज़ अ टेक्स्ट। और देखो यहाँ पे मैक्स 25, मैक्स 50। एट्रीब्यूट मैंने तभी यूज़ किया है वैन द इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। फिर आप बोलोगे सर इसमें जो ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन है इसका क्या? बच्चे लोग ये आपने नंबर बोल दिया ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। आपने नंबर बोला तो वो आ गया ना इन अ नंबर फॉर्मेट, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके नंबर बोलने से हो गई। हाँ, लेकिन ये आपका मैक्स है, मैक्स एट्रीब्यूट, ये मैक्स एट्रीब्यूट, एक में मैक्स 25, एक में मैक्स 50, और ये बन गया आपका फॉर्म का सोल्यूशन। समझा बच्चे लोग? और देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन है तो कवर कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पता है 12th के 7 ऑप्शन में एक अंडरलाइन कराया था फाइल, अभी आ रहा है क्योंकि इसमें अपलोड है। जब भी कोई चीज़ आप लोग को अपलोड करने के बोलेंगे तो फाइल आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान देना, ये थोड़ा थोड़ा बाकी के क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। राइट एस्टिमेट प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, मतलब आप इसको स्टूडेंट डिटेल ऐसा करके बोल सकते हो, स्टूडेंट डेटा भी बोल सकते हो। एक्सेप्ट स्टूडेंट नेम, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स ही हैज़ कंप्लीटेड एंड प्रोवाइड द फैसिलिटी टू अपलोड हिज कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अभी देखो यहाँ पे सेंड द डेटा टू द सर्वर, क्लियर करने का कुछ है, सब कुछ भी नहीं बोला, बट वो मैंने आपको क्या बोला, पहली 2 लाइन लास्ट की 2 लाइन सेम। ज़रा भी बच्चों चेंज मत करना, पहली 2 लाइन लास्ट की 2 लाइन सेम। पहली लाइन में आप क्या लिखोगे, बॉडी के बाद फॉर्म, मैथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इज इक्वल टू फाइल डॉट PHP, नेम इज इक्वल टू F1। फिर H1 में अलाइन सेंटर बोल के इसकी हेडिंग क्या डालोगे, स्टूडेंट डेटा, स्टूडेंट डिटेल, अरे स्टूडेंट्स का ये ना डेटा। लास्ट के 2 लाइन, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और इनपुट टाइप इज इक्वल टू रीसेट, एक में सबमिट एक में क्लियर, लेबल लेबल, ठीक है? और फिर बीच में क्या क्या, तो स्टूडेंट का नेम इनपुट करना है टेक्स्ट में, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर, और बच्चे लोग ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये है आप लोग का इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो जब भी आप लोग को अपलोड वर्ड आएगा ना तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो लेट्स सी द कोडिंग नाउ। बच्चों कोडिंग देख लो, पहली 2 लाइन सेम, खाली स्टूडेंट का डिटेल आ गया, लास्ट में 2 बटन आ गए, बस खाली आपको इस पर फोकस करना है। देखो 3 चीज़ करेक्ट ना, पहला स्टूडेंट्स का नेम बोला, नेम दे दिया, फिर बोला नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स, नंबर बोल दिया उसको, और सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। तो बच्चे लोग ये वर्ड याद रखना, अपलोड, कोई भी चीज़, या तो आपको कोई चीज़ बोलते हैं ना छोटी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा फाइल आपने बनाई है वो अपलोड करनी है, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पावर पॉइंट, कुछ भी अपलोड वर्ड आएगा ना तो समझ जाने का इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। और देखो ना यहाँ पे कुछ हम लोग फाइल का नाम स्पेसिफाई थोड़ी कर रहे हैं, वो तो जब आप अपना रन करेंगे ना तभी वो बटन पे क्लिक करके फोल्डर से सिलेक्ट करने का है, तो वो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे नहीं आएगा, खाली इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। सो अपलोड के साथ फाइल कनेक्टेड है, ये बात आपको यहाँ पे फिक्स कर लेनी है, अपलोड रहेगा तो फाइल, ठीक है बच्चों? फिर देखते हैं और क्वेश्चन है तो कवर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में नया चीज़ था अपलोड, फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं कुछ और। हाँ देखो ये वाला भी फॉर्म का क्वेश्चन है बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर 32, राइट HTML प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्टूडेंट ID। बच्चे लोग अब ये देखो, ये ना अननेसेसरी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ब्रैकेट डाला। क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। बच्चे यहाँ पे ना ये चीज़ को देख के थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि उनको अल्फ़ा मतलब स्टूडेंट आईडी में, जैसे आप लोग का नहीं 10th में रोल नंबर में अल्फ़ाबेट भी होता था पहले और बाकी के डिजिट्स होते थे, ये ऐसे ही कुछ है, अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों एक बात मैं बोलूँ, ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है। आप लोग जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेते हो ना, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों अलाउ करता है। टेक्स्ट में नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों अलाउ करता है। मतलब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि स्टूडेंट आईडी आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट लेना है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया ना बच्चों? बच्चे सोचते हैं ये क्या कंसेप्ट है कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर। ओके, कुछ नहीं, टेक्स्ट में ले लो, टेक्स्ट में आप नंबर भी ले सकते हो और अल्फ़ाबेट भी ले सकते हो। तो हो गया ना, आपको सिर्फ इनपुट टाइप इज इक्वल टेक्स्ट बोलना है। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग में तो आपको पता है बच्चों, डेट परसेंटेज इन प्रीवियस, तो डिजिट बोला ना, डिजिट परसेंटेज इन प्रीवियस ईयर मतलब आपका डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, यहाँ पे नंबर। और डेटा शुड बी सेंड टू द सर्वर मतलब आपका सबमिट और क्लियर। तो वापस एक बार रिकॉल करो, कोडिंग क्या मैंने बोला था, फॉर्म वाली लाइन और H1 वाली लाइन और लास्ट के दो बटन, मतलब ये चार लाइन आपकी फिक्स। बॉडी के बाद पहली दो, लास्ट की दो, चार लाइन फिक्स। अच्छा, H1 में आपकी इसकी हेडिंग क्या डालोगे, इसका स्टूडेंट का है ना वो, तो स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डेटा, कुछ भी स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ वर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब हाँ, अब उसके अंदर कितनी लाइन, तो एक आईडी का इनपुट, एक का डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एक परसेंटेज इन प्रीवियस क्लास। तो जो आईडी होगी ये टेक्स्ट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट, और परसेंटेज जो है वो डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, नंबर। बच्चे लोग सोल्यूशन देख लो। तो आप बोलोगे सर ये तो फॉर्म इजी हो गया है, तो मस्त एकदम। देखा बच्चों, आप लोगों को कंफर्टेबल लग रहा है ना? तो इस तरह से अगर आप लोगों ने पढ़ाई करके गए ना, तो फॉर्म वाला टॉपिक, और इनफैक्ट फॉर्म के दो क्वेश्चन आने के चांसेस है पूरे के पूरे, मतलब चार में से दो क्वेश्चंस फॉर्म के आने के चांस है। मतलब ज़्यादा करके उन लोग कैसा करते हैं, पहले दो में एक फॉर्म डालते हैं, फिर से दो में से एक फॉर्म डालते हैं, फिर एक फॉर्म के साथ हो सकता है CSS, एक फॉर्म के साथ या तो लिस्ट या तो आई फ्रेम, ऐसा करके उन लोग बना लेते हैं चारों क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन। तो देख लो यहाँ पे पहला फॉर्म, फिर H1 फिक्स, लास्ट के दो बटन फिक्स, और एज पर द डेटा। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ टेक्स्ट बोला, देखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर, टेक्स्ट में ही कंफर्म हो गया। और उसके बाद डिजिट मतलब नंबर, डिजिट मतलब नंबर, और एक में डेट और लास्ट के दो बटन। इजी है ना बच्चों? तो एक बार फॉर्म को इस तरह से पढ़ा ना, फिर आप बोलोगे सर अभी इजी लग रहा है, नहीं तो ऐसा लग रहा था फॉर्म डिफिकल्ट है। और मैंने आपको 10 ऑप्शन को जो बच्चों ये अंडरलाइन कराया ना, ये जरा एक बार देख लेना वापस। देखा जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए अदर देन 10, 7 ऑप्शन उधर और 3 ऑप्शन इधर, बच्चों इसके बाहर से ज़रा भी है क्या? नहीं। डेट, डेट टाइम हाइफन, इनफैक्ट डेट टाइम हाइफन लोकल भी अभी तक आया नहीं, बट मैंने सोच के कि ये हो सकता है आ सकता है। डेट, डेट टाइम हाइफन लोकल, और एक बार फाइल, फाइल को देखो मैंने अंडरलाइन किया था, फिर एक में रेंज टैल नंबर और एक में ईमेल, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस। ये आपके 10 ऑप्शंस ही बार बार वो क्या करेंगे, रिपीट। लेट्स से और कुछ क्वेश्चंस है तो देख लेते हैं, नहीं तो अभी इतना तो काफ़ी है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कोई फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो कवर कर लेते हैं, नहीं है तो फिर जाने देते हैं। क्योंकि आप लोग देखो बच्चे लोग, अभी ये देखो फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राइट HTML प्रोग्राम टू क्रिएट अ फॉर्म टू एक्सेप्ट अ पेशेंट्स का डिटेल, यानी पेशेंट्स का नेम। तो इसका आप हेडिंग दे सकते हो पेशेंट्स डिटेल या पेशेंट्स डेटा, दैट मतलब H1 के अंदर जो आपको देना है वो। तो वापस पहली दो लाइन फिक्स, लास्ट की दो लाइन फिक्स। बच्चे लोग ये याद रखना, पहली दो लाइन फिक्स, लास्ट की दो लाइन फिक्स, लास्ट की दो लाइन बटन के लिए, पहली दो लाइन फॉर्म टैग और H1, ठीक है। और हेडिंग में पेशेंट्स का कुछ भी दे दो, पेशेंट्स डेटा या तो पेशेंट्स का डिटेल। फिर अब इसमें पेशेंट्स का नेम आप लोगे टेक्स्ट में, मोबाइल नंबर लोगे नंबर में, और डेट ऑफ बर्थ लोगे बच्चों डेट में। एंड कीप ऑल द फील्ड्स कंपलसरी। बच्चों ये एक ट्विस्ट आ गया इसमें कि सारी फील्ड्स कंपलसरी है। बच्चों आपको सारे ऑप्शंस में टैग, इनपुट टैग बंद करने के पहले लिख देना है रिक्वायर्ड। क्या लिख देना है बच्चों? रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। ये जो लिखा है ना, कीप ऑल फील्ड्स कंपलसरी, रिक्वायर्ड ओनली वन एट्रीब्यूट यू हैव टू पुट इन ऑल द इनपुट टैग, ओके रिक्वायर्ड। तो देख लो सोल्यूशन, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, तीनों जगह पे रिक्वायर्ड, क्योंकि लिखा है ऑल द फील्ड्स। जैसे नहीं आप लोग कोई फॉर्म भरते तो रेड कलर का स्टार होता है मैंडेटरी एंट्री, दैट मीन्स इफ यू डोंट पुट आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, वैसा कुछ। तो ऑल द फील्ड्स कंपलसरी मतलब रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, ये 3 ऑप्शंस डाल दो। और देखो पेशेंट्स का नाम टेक्स्ट, फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल, अच्छा मोबाइल नंबर बच्चों मैंने आपको समझाने के टाइम यहाँ पे नंबर बोला था, मोबाइल है तो दिस यू टेक इन अ टेलीफोन नंबर, ओके टेल। आप इसको नंबर में भी लोगे तो बच्चों रॉन्ग नहीं जाएगा, क्योंकि लेकिन इसमें कैसा होता है कि कोई भी मोबाइल नंबर हुआ या टेलीफोन नंबर हुआ, तो अपने पास जब एक्स्ट्रा टैल है तो इट इज़ बेटर टू पुट अ टेल रेदर देन नंबर। तो इसको टेल में ले लो और लास्ट डेट ऑफ बर्थ को तो आप डेट में ही लोगे और नेम दे दो कुछ भी T1, T2, T3 और रिक्वायर्ड इसलिए क्योंकि इन्होंने बोला है कीप ऑल द फील्ड्स कंपलसरी। और लास्ट के दो बटन। तो बच्चों फॉर्म में आपको याद क्या रखना है, पहली दो लाइन सेम, लास्ट की दो लाइन सेम और बीच का कंटेंट एज पर द क्वेश्चन आप मॉडिफाई कर देना। इतने क्वेश्चंस आपने जो मैंने अभी आप लोग को बताया ना बच्चों, इतने इनफ है। ओके फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आए ना आपका करेक्ट जाएगा, टेंशन मत लेना। तुम लोग समझ रहे हो बच्चे लोग, क्योंकि इसमें मैंने रिक्वायर्ड भी कवर कर लिया, फाइल भी कवर कर लिया और ऑलमोस्ट ईमेल भी कवर कर लिया। जो तो 7 ऑप्शन आपके 12th के और 3 ऑप्शन आपके 11th के, 10 ऑप्शंस। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ चीज़ें ताकि आपको याद रहे। फॉर्म का जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्सेप्ट या तो इनपुट वर्ड रहेगा, 99 एक्सेप्ट रहेगा क्योंकि मैंने अभी तक इनपुट वाला वर्ड अभी तक नहीं देखा। सो ज़्यादा करके एक्सेप्ट। अच्छा कभी कभी वो फॉर्म बोल भी देते हैं, नहीं बोला तो भी एक्सेप्ट फॉर्म को हिंट है। फिर आपका बॉडी के बाद फॉर्म टैग H1 टैग, लास्ट में दो इनपुट में एक सबमिट टैग, सबमिट बटन और रिसेट बटन। एक में सबमिट लेबल आएगा और एक में क्लियर लेबल आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 लाइन आपकी फिक्स। फिर अंदर की जो लाइन है ना वो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होगी। H1 की हेडिंग क्वेश्चन देख के चेंज कर देना। स्टूडेंट्स का डेटा है तो स्टूडेंट्स का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा है तो एम्प्लॉय का डेटा। दैट यू मैनेज है बच्चों, उतना तो आप लोग कर सकते हो। और बाद में क्या क्या इनपुट करना है वो सब आपको उसके उसका जैसे टेक्स्ट है, नंबर है, वही 10 ऑप्शन में से उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कोडिंग। मेरे ख्याल से मैंने जो सीक्वेंस लिए ना बच्चों थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना क्योंकि आप लोग का मैंने पहले टॉपिक लिया था सबसे जो ईजी वाला था आई फ्रेम। ओके बट आई फ्रेम के साथ मैंने एक्चुअली आप लोग का पेपर पैटर्न भी डिस्कस कर दिया कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है ना, और फिर मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस नहीं किया, सीधा टॉपिक पे आ गया था। दूसरा टॉपिक मैंने लिस्ट का लिया था। लिस्ट में या तो आपका नॉर्मल लिस्ट आएगा या तो नेस्टेड। फिर थर्ड मैंने आप लोग का CSS लिया, कास्केडिंग स्टाइल, जिसमें 3 टाइप का CSS है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। और लास्ट वाला टॉपिक फॉर्म। बच्चे लोग ये फॉर्म जिस हिसाब से मैंने बोला ना आपको रेडी करके रखना, आपके फॉर्म के फुल मार्क्स मिलेंगे, आपको जरा भी टेंशन लेना है। और आपके दोस्त जितने भी और भी IT के अंदर है जो भी इतने जो हॉलीडेज़ में पढ़ाई कर रहे हैं आप उनको उनके साथ ये शेयर कर सकते हो। ओके और ठीक है बच्चों फाइन। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का मेरे ख्याल से अब प्रॉब्लम आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। हाँ अगर आपने ये चारों वीडियो अच्छी तरह से रिपीट करके 2-3 बार अलग अलग स्पीड में अगर देख ली और अगर खुद भी प्रैक्टिस कर ली तो आपका मेरे ख्याल से कोडिंग का डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों फाइन, थैंक यू।